ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 14 फरवरी सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा रेवती, योग होगा शुभ, करण होगा बालव और राशि रहेगी आज मीन। और चंद्रमा आज प्रातः 10:43 पर मीन राशि से निकल करके मेष राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी आज दोपहर 12:35 से लेकर 1:59 तक। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, बसंत पंचमी का पर्व है और लक्ष्मी सरस्वती का पूजन भी है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती जी की वंदना की जाती है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं, जिनका एरी साइन बनता है, उनके विषय में। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि एक तो ओवर ईटिंग ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, सिर्फ जितना भूख है उतना ही खाएं, थोड़ा कम खा लें, क्योंकि ज़्यादा कैलरीज की जो चीज़ें खाने से अगर आप बचेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जो लोग टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी टैक्स से रिलेटेड कहीं पर भी अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो कृपया ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी तौर पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसलिए आपको यही हमारी ओर से सुझाव रहेगा कि इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आप प्ले ना करें। और आपको ऐसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लेकर के आए। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा आज के दिन मिल सकता है किसी के द्वारा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें अपना दिमाग शांत रखने की है आवश्यकता। परीक्षा की घबराहट को हावी बिल्कुल अपने ऊपर ना होने दें और आपका प्रयास सकारात्मक परिणाम जरूर देगा, इस बात से आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहें। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित एक तरीके से होगी। और आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ, आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। उपाय आप करें, कांसे का कड़ा पहनना सेहत के लिए लाभदायक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए 4। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, घर पर तनाव का माहौल आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, लेकिन इसको दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर देगा। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर इससे आप निजात पा सकते हैं। खराब हालात से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी, क्योंकि आज आपको पैसे की काफ़ी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं हो पाएगा। और अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले जरूर सोच लें, और अगर मुमकिन हो तो आप इससे जरूर बचें, क्योंकि इन बातों के बाहर फैलने का भी खतरा है। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय ना दें तो वह आपसे हो सकता है नाराज। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, विशेष तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे। मुमकिन ये भी है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क साधे और इस दिन को आपके यादगार बना दे। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की भी जरूरत रहेगी। उपाय आप करें, घर में सफेद सुगंधित पुष्प लगाकर उनकी देखभाल करने से स्वास्थ्य आपका पूरे दिन अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, शुभ अंक आपके लिए 7। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे और आपको अतिरिक्त आराम की जरूरत होगी। और धन से जुड़ा कोई मसला आज आपका हल हो सकता है और आपको धन लाभ भी हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर के आ सकता है। और आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते रोमांस को थोड़ा आपको दरकिनार करना पड़ सकता है और आप अपने मातहतों से भी आज नाखुश रहेंगे, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक आपको परफॉर्म करके नहीं दे पाएंगे। और आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, लेकिन आज ऐसा दिन है कि जब आपके पास अपने लिए भी काफ़ी समय रहेगा। किसी पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदार के कारण से वैवाहिक जीवन में अनबन भी मुमकिन है। उपाय आप करें, किसी भी लड़की का दिल आप बिल्कुल ना दुखाएं साथियों, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, उनका सबका सम्मान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लव लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए 9। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन। तो साथियों, आज आपको अपने पूरा पेशेंस बना के रखना, धैर्य से काम लेना है, विशेष तौर पर जब हालात थोड़ा मुश्किल हो। और अगर आप लोन आदि के लिए कोशिश कर रहे थे लेने के लिए और काफी दिनों से इस कार्य में लगे भी हुए थे, तो आज के दिन आपको ये कार्य आपका बन सकता है। बढ़िया दिन है जब आपके सभी ध्यान को अपनी तरफ खींचने वाले हैं। आप सभी का, जितने भी और लोग हैं, जहां पर भी आप जाएंगे, समाज में, कार्य क्षेत्र में, सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा और आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें भी रहेंगी। और आपके सामने समस्या ये होगी कि पहले आप किसे चुने। निजी मसले आपके नियंत्रण में रहेंगे और आप कामयाबी, आज के दिन एक तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि कामयाबी की ओर बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल भी करेंगे। बस एक एक करके महत्वपूर्ण कदम उठाने की है आपको आवश्यकता। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ये। कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान काम नहीं होता है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर समय निकाल पाएंगे। और आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाव बिल्कुल ना बनाएं, अन्यथा आपके दिलों में दूरियां आ सकती हैं। उपाय आप करें, कुत्ते को रोटी खिलाने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक आपके लिए 1। सिंह राशि यानी कि लियो से। आपको जल्द से जल्द अपने जज्बातों को काबू में करने और डर से आजादी पाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकते और अच्छी सेहत का मजा लेने से आपको कर सकते हैं वंचित। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह आदि ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां एक अच्छा मौका साबित होंगी आपके लिए। और आज आपको ये महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना अधिक प्यार करता है। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की है आवश्यकता, और मेहनत करके ही आप सही परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। खाली समय में आप कोई फिल्म आदि, मूवी आदि देख सकते हैं और यह फिल्म आपको पसंद हालांकि नहीं आएगी, लेकिन और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इसमें वेस्ट कर दिया। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के पनपने के कारण आपको सामंजस्य बैठाने में भी मुश्किल आ सकती है। उपाय आप करें, अपने ऑफिस या सोने के कमरे में पीला या क्रीम रंग दीवारों पर करवाना नौकरी या व्यापार के लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए 8। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। तो साथियों, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और जो भी आज कार्य करेंगे उसे आप पहले के मुकाबले उससे कम समय में पूरा कर लेंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं उससे कम समय में। और अगर आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने कीमती सामान का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सामान के चोरी होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। जरूरत के समय आपको मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास भी छा रहा है, इसकी खूबसूरती आपको महसूस करनी चाहिए। देखिए, कार्य को मनोरंजन के साथ बिल्कुल ना जोड़ें। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त अधिक बिताना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप घर में एक सद्भाव बना पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। और यह आपके पूरे वैवाहिक जीवन के सबसे ज़्यादा स्नेहपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। उपाय आप करें, चावल या चांदी माता से लें और अपने पास रखें, आर्थिक उन्नति में आपके ये सहायक सिद्ध होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन।
तो प्रिय साथियों, आपको काफ़ी समय से जो चल रही परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर के, उससे छुटकारा मिल सकता है, समय आ रहा है और आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होने की भी पूरी संभावना है और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा और साथ ही पिछले दिन की जो मेहनत है वो भी रंग लेकर आएगी। और जो आपका मजाकिया स्वभाव है, सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में करेगा इजाफा और आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेमी जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा कर सकते हैं। और अपना रवैया ईमानदार और पूरी तरह से स्पष्टवादी रखिएगा, लोग आपकी मजबूती और क्षमताओं को अप्रिशिएट करेंगे। यात्रा और भ्रमण वगैरह ना सिर्फ आनंददायक सिद्ध होंगे बल्कि काफ़ी शिक्षाप्रद भी रहेंगे। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके जो प्रयास हैं उम्मीद से ज़्यादा रंग लाएंगे। उपाय आप करें, चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का जेब में सदैव रखने से धन की वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए 4। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, तो साथियों अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वो अपने धन को आज बहुत संभाल करके रखिएगा। धन चोरी होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है और अपने साथी के साथ बाहर जाते समय ठीक तरह से व्यवहार करिएगा। ऐसे लोगों से के साथ जोड़ने की कोशिश करें जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी साथियों बहुत आवश्यक होता है और ये बात आज आपको समझ में आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को समय किसी कारणवश नहीं दे पाएंगे और अगर आप जीवन साथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका देते हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिलना तय है। उपाय आप करें, शराब सिगरेट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक 2। धनुराशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, साथियों बताना चाहेंगे कि मानसिक दबाव के बावजूद, मेंटल प्रेशर होने के बावजूद आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। घर में किसी फंक्शन के होने के कारण आज आपको थोड़ा सा अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर हो सकती है। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। रिश्ते की इस नाजुक डोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में यकीन और प्यार होना चाहिए। हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जरूर लें और सकारात्मक तौर पर पहल करने की कोशिश करें। संभव है कि आज आप अपने प्रिय को टॉफी या चॉकलेट वगैरह भी दे सकते हैं। काम के बाद आपके जो सहकर्मी हैं आपको किसी छोटे घरेलू उत्सव पर अपने यहाँ आमंत्रित भी कर सकते हैं। घर के कार्यों को पूरा करने के बाद इस राशि की जो गृहणियाँ हैं आज के दिन फुर्सत में अपना मनोरंजन कर सकते हैं, टीवी वगैरह देख करके या मूवी देख करके। ये समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देने वाला है आज का जो दिन। उपाय आप करें, पराई स्त्री के प्रति नजरें साफ रखने से आर्थिक उन्नति तय है। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए 5। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन साइन, तो साथियों दोस्तों का जो रुख है काफी कोऑपरेटिव रहेगा आपके साथ और वे आपको काफी खुश रखने की कोशिश भी करेंगे। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचने की कोशिश कीजिए। एक नजदीकी रिश्तेदार खुद के लिए आपका ज्यादा ध्यान चाहेगा, हालांकि वह काफी मददगार और ख्याल रखने वाला तो होगा। प्रेम संबंधों में गुलाम की तरह व्यवहार ना करें। इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक बोलने से बचना होगा, नहीं तो आपकी छवि पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी पुराने निवेश की वजह से आज घाटा होने की भी संभावना बनती है और आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में अपने आप को अकेले, बंद कमरे में अकेले बैठ करके उस किताब के साथ समय आप गुजार सकते हैं और अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और देखिए, ठीक कम्युनिकेशन ना होने के चलते थोड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है आज के दिन, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीज़ों को सुलझाया भी जा सकता है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उपाय आप करें, छोटी कन्याओं में खीर बनवा करके बांटिए, आर्थिक उन्नति तय है आपकी। शुभ रंग आपके लिए काला और शुभ अंक आपके लिए 5। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, तो साथियों आपका जो उदार स्वभाव है आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर के आ सकता है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए सोर्सेज मिल सकते हैं।
कोशिश करें कि कोई आपकी बातों या काम से आहत ना हो और पारिवारिक जरूरतों को समझें। संभलकर मित्रों से बात कीजिए, क्योंकि आज के दिन हो सकता है आपकी मित्रता में भी दरार पड़ जाए, इस बात की भी आशंका बनी हुई है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य भी बिल्कुल ना करें। जो आप स्वयं नहीं करना चाहते हैं वही काम दूसरों से भी को भी बाध्य ना करें करने के लिए। कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बड़ा आपकी सहायता आज के दिन कर सकता है। ज्यादा खर्चे होने की वजह से जीवन साथी से भी आपकी खटपट हो सकती है। उपाय आप करें, चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की किरणों में बैठकर खीर खाने से पारिवारिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए 4। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो साथियों, अपनी नकारात्मक भावनाओं और वृत्तियों पर लगाम लगा करके रखिए। आपकी रूढ़िवादी जो सोच है, पुराने ख्याल आपकी प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं आप और आपकी राह में आगे कई ऐसी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमाने में सक्षम रहेंगे। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी कर सकते हैं मदद। प्रेम भगवान की पूजा की तरह पवित्र है, यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म एवं आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम आप कीजिए जो रचनात्मक हो। और आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव जो है वो आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। आप दुनिया में स्वयं को सबसे रईस महसूस करने वाले हैं आज, क्योंकि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा कराने के लिए महसूस कराएगा। उपाय आप करें, उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को खिलाएं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए 7। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। दिनांक 14 फरवरी सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2080 का। और हमने आप सभी को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर करना होगा समाप्त और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।